एक मिनट के लिए थोड़ा डर सा लगता है। इसकी स्पीड अभी थोड़ी और तेज होगी, बैठे सब बुरी तरीके से भीग जाएंगे। ये देखिए, लेकिन ये गोल गोल घूम के ना सर में दर्द होने लगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रोहिणी का एडवेंचर आइलैंड जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, उसको अभी रीओपन कर दिया गया है 27 फरवरी से नॉर्मल पब्लिक के लिए, और इसकी एंट्री फीस भी घटाकर 700 से 350 रुपये कर दी है। तो हम भी आज संडे है और हम इंजॉय करने के लिए आ गए हैं एडवेंचर आइलैंड। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं कार आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं और इस साइड आप बाइक्स को खड़ी कर सकते हैं। कार का प्राइस है 50 रुपीज़ और बाइक्स का है 30 रुपीज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो एंटर करते हुए आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, टिकट काउंटर उस साइड है। भैया टिकट दे देना। हमें हमारी टिकट मिल चुकी है, अभी हम जाएंगे एंट्री की तरफ। एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता है कि किधर से जाना है, तो हम किसी से पूछ लेंगे। तो भैया ने हमको यहाँ बताया कि हमें आगे से राइट लेना है। आई थिंक ये वाला रास्ता जा रहा है। तो हमने एंटर कर लिया है। एंटर करते ही आपको यहाँ पर ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड दिख जाएगा, जहाँ पर आप फ़ोटो वोटो क्लिक करा सकते हैं। इसमें आप अपना फेस डाल के भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, फ़नी वाली। इसके बाद जैसे हम थोड़ा आगे चलेंगे, आप देखेंगे वो जो आईफिल टावर आपको दिख रहा है, ये पुल के अपोजिट साइड ही आपको सारी राइड मिलने वाली हैं, जो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी 350 रुपीज़ में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ का व्यू देखते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारा वोटिंग एरिया है, यहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। ये रनवे रेस्टोरेंट है, इसके लिए भी आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी राइट लेने आए हैं, तो हम राइट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वेलकम करने के लिए एक घोड़े यहाँ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने स्माइल कर रहे हैं एक्चुअली। ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों गए हैं, फ़ोटो सेशन चल रहा है। रश अभी काफ़ी सारा आ चुका है और लोग काफ़ी सारे रील्स एंड फोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं अपने, और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे वोटिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस तो नहीं, बट पेरिस का आईफिल टावर आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसमें लाइटिंग भी लगाई गई है, तो रात को ये मे बी शायद जलता भी होगा। ये देखिए कुछ लोग वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, उधर से शोर आ रहा है, तो उधर चलते हैं और देखते हैं क्या है उधर। तो चलिए हम भी इस राइड को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। हेलो भैया, चलिए हम चलते हैं, हम सबसे पीछे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि मुझे शूट करना है, तो मैं आपको अच्छे से व्यू दिखा पाऊंगा। भाई हम तो अपनी जगह पर बैठ गए हैं। तो हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये
काफ़ी ठीक है यार, 350 रुपीज़ में आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में इंजॉय करने का मौका मिल रहा है आई थिंक। ठीक है, ओके तो हमारी फाइनली राइड ख़त्म हो चुकी है, पूरी एक दो मिनट की राइड थी, लेकिन हमारे बाद आने वाला यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि ये बहुत स्कैरी राइड नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कम भीड़ है, तो हम भी इसके बाद थोड़ी आगे बढ़ते हैं। राइड ये पहली राइड जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी हम जाएंगे दूसरी राइड की तरफ। हालाँकि मैं पहले हो चुका हूँ, भैया को पता है मैं पहले ही सुबह आके सारी राइड ले चुका हूँ, लेकिन अभी मैं ब्लॉग के लिए यहाँ पर आया हूँ दोबारा से। चलिए हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। मारुति वाला बंदा है साथ में, एक कमांडो है। भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, आप यहाँ पूरा गार्डन घूम सकते हो इसी तरीके से, और आपको जितनी भी राइड लेनी है अनलिमिटेड राइड आप यहाँ ले सकते हो जब तक आपकी ये टिकट वैलिड है, और ये टिकट वैलिड पूरे दिन तक रहने वाली है। आप चलती गाड़ी पे से उतर भी सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। ये एनिमल्स भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं वापस उसी जगह पर, लौट के आ गए हैं। थोड़ी खास नहीं थी, बोरिंग थी, पर ठीक है यार, बढ़िया भाई। एनिमल भाई लोगों, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ थैंक यू यार, सपोर्ट करने भाई को आप लोग भी कर देना, बाकी जो दोनों ने किया है दोस्तों सपोर्ट देंगे यार। हाँ थैंक यू। चलो भाई हम भी लोग पहुँच चुके हैं, ये भैया हम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो हमने अपनी राइड ले ली और अब हम जा रहे हैं अपनी अगली राइड की तरफ, जो कि है ये वाली है। आप देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सामने मेरे पीछे ही है ये देखिए, इसमें किसी को शायद डर लग रहा है, वो काफ़ी तेज़ चिल्ला रहा है, तो चलिए हम भी चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ की राइड लेने के लिए यहाँ पे कितनी लाइन लगी हुई है, आई थिंक आधे घंटे से पहले हमारा नंबर नहीं आने वाला है, तो चलिए हम इसी लाइन के पीछे लग जाते हैं और अपने टाइम का वेट करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ लगेंगे, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और हमारा नंबर यहाँ पर है, तो चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। हमारा नंबर आ चुका है और हम जाएंगे अपनी अगली राइड की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी सीटें कवर ना हो जाएं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं अपनी सीटों को। ओके तो फाइनली हमारी सीट हमको मिल गई और हम बैठेंगे इस वाली पर। ये इसकी स्पीड अभी थोड़ी और तेज होगी और आप देख सकते हो कितने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये बस फोन ना छूट जाए भाई, स्पीड एकदम से तेज हो जाती है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितने लोगों की लाइन लग चुकी है, फाइनली हमारा तो नंबर आ गया है। तो भाई ने डर की वजह से अपनी आँखें वहाँ के सब बंद कर ली हैं और आप ये लाइन देखो, ये बेचारे वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। ऐसा लग रहा भाई आप लोगों को मस्त, आपने फेस क्यों कवर कर रखा है अपना,
आपने फेस क्यों कवर कर रखा है? अच्छा धूप लग रही थी, मुझे लगा डर लग रहा है। ओके सो फाइनली हमारी राइड अभी ख़त्म हो गई है और हम जाएंगे अपनी अगली राइड की तरफ। ये देखो लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी आई है कि चलो इनका नंबर ख़त्म हुआ और हमारा नंबर आएगा। चलो भाई हमारा ख़त्म हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, इनके लिए भी चलो को छोड़ देते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, इस भाई से सब्सक्राइबर करवाते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। कहाँ गया वो? भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी कर दो। ओके बाय। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली राइड की तरफ, अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे खुद आइडिया नहीं है कि हमें किधर जाना चाहिए और किधर नहीं, और भीड़ भी अभी काफ़ी हो चुकी है। हालांकि सुबह में मैं अपनी सारी राइड्स ले चुका हूँ और मैं अभी फिर भीड़ के साथ ले रहा हूँ, पहले मैंने खाली खाली में पूरी राइड्स की मज़े ले लिए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमें खाने पीने का भी काफ़ी सारा अरेंजमेंट है, इस टाइप के काफ़ी सारे कैफ़े आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओ भाई यहाँ पर देखो आपको कितनी सारी भीड़ देखने को मिलेगी, आप देखिए यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। गाड़ी है लिमिटेड, भीड़ है ज़्यादा, तो कीप करते हैं हम, बाद में देखेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा या यहाँ पर स्पेस मिलेगा तो हम जाएंगे, जब तक हम किसी दूसरी राइड पर चलते हैं। और ये देखो ये देखो ये बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। हाय हाय, हेलो बोलो, हेलो बोलो, सो क्यूट। अपनी अगली राइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पर रात को आकर काफ़ी सारे थिएटर आर्टिस्ट अपना शो करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये वाली राइड्स हैं, लेकिन ये अभी बंद पड़ी है क्योंकि ये जो एडवेंचर आइलैंड है ये 2 सालों से बंद था, तो अभी इसको थोड़ा रिपेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब जो सामने वो जो पिंक एंड ब्लू वाला दिख रहा है वो भी राइड अभी बंद है क्योंकि इनको थोड़ा रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हम अभी अपनी अगली राइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें कौन सी वाली राइड मिलेगी। तो नेक्स्ट राइड हमारी ये वाली होने वाली है, चलिए चलते हैं। भीड़ यहाँ से ख़त्म हो गई, हमारा यहाँ पे भी सही टाइम लगा है कि हम सही टाइम पर आ गए। हेलो, तो यहाँ पे भी हम एकदम सही टाइम पे आ गए, यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ हमको मिली नहीं है, बाकी अब भीड़ होना लोगों की शुरू हो गई है। और अभी आपका नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो भाई लोग हंस रहे हैं, भाई लोग कमेंट करो, भाई लोग गोल मार के आए हैं, हम गोल मार के आए हुए हैं भैया के साथ। यही वो लोग हैं जो दूसरों का कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, देख लो भाई लोगों को, हम गोल मार के आए हैं भैया। हाँ कोई बात नहीं, देख लिया तो संडे है भाई, संडे को कहाँ गोल लगेगा, कोचिंग का। अच्छा कोचिंग का, कोई बात नहीं भाई, माफ कर देना भाई टीचर लोग इनके। घर वालों से भी कह दो, हाँ कर दो भाई, माफ कर देना। देखो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी कर दो। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली राइड की तरफ, और हमारी अगली राइड ये वाली होने वाली है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और अपने नंबर का वेट करते हैं। रास्ता आई थिंक यही रास्ता है यहाँ से जाने का, आप देख सकते हो कितनी लंबी भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए हम भी अपनी लाइन में लग जाते हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी धूप में वेट कर रहे हैं, और ये लोग अभी तैयार हैं उड़ने के लिए, इसके बाद हमारा नंबर है, हम लोग जाएंगे। बस अभी भैया पहुंच चुके हैं अपने कैबिन में, और वहाँ से
से ग्रीन सिग्नल देंगे। ये देखिए बैल बज गई है और अभी ये लोग उड़ेंगे ऊपर हवा में। ये झूला स्टार्ट हो चुका है ये, और धीरे धीरे इसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। इतना स्कैरी नहीं है, लगता है स्कैरी बट है नहीं इतना। तो आप लोग अगर यहाँ पर आकर ये सोच के डर जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बहुत रिलीफ मिलता है। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में आके इसकी राइड ले चुका हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर इसकी राइड लेने आया हूँ। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं अपने नंबर का और फिर हम भी जाते हैं राइड लेने के लिए। फाइनली अभी वेटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है और हम जा रहे हैं तो अपनी राइड लेने के लिए। तो चलते हैं अपनी राइड लेते हैं। तो हम किस पर जाएंगे, हम उस वाले पर जाते हैं, तो इस वाले पर हम जाएंगे। ओके, ये वाला मस्त लग रहा है, हालांकि सारे ऐसे हैं। ओके तो भाई मैं तो आके यहाँ पे लेट चुका हूँ, अपनी जगह क्लियर कर ली है, भैया ने सिक्योरिटी भी लगा दी है, ये सब लेटे पड़े हैं। जैसे पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, मैं भी ऐसी लग रहा हूँ पीछे से। अभी स्टार्ट हो चुका है, मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये थोड़ा ऊंचा उठ रहा है। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो मैं अपना फ़ोन थोड़ा टाइट पकड़ लेता हूँ, पता चला मेरा फ़ोन गिर जाए हाथ से। ये थोड़ी स्पीड बढ़ रही है अभी धीरे धीरे, डर तो बढ़ गया थोड़ी, एक मिनट के थोड़ा डर सा लगता है, बट हाँ जब ये कंटिन्यूसली चलने लग जाता है फिर डर नहीं लगेगा आपको। स्टार्टिंग में हल्का सा तो लगेगा कि ओ शिट यार ये क्या हो रहा है, फिर अदरवाइज जैसे ही ये फ्लो में चलता रहता है ना फिर ये नॉर्मल लगने लग जाता है। ये तो झटके भी दे रहा है यार, ये जो झटके देता है ना पता भी डर लगता है कि यार ये झूला पता नहीं गिरने वाला है क्या, बट ऐसा कुछ है नहीं। यही इसका प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे आपको थोड़ा डर लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ स्कैरी सा कर रहे हो, अदरवाइज कुछ स्कैरी है नहीं इसमें, बाकी इन्जॉय है यार, इन्जॉय मस्त है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ एंजॉय मस्त है यहाँ पर। ये देखिए वेटिंग, हम उड़ रहे हैं यार हवा में, स्पाइडरमैन तो कौन होता है वो ऐसा करके उठता है, जो भी है यार क्या होता है। बट यार यहाँ बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा बल्कि रिलैक्स मिल रहा है आपको। आप जितने भी झूले झूल के हैं लास्ट में इस वाले को झूले, बहुत रिलैक्स फील मिलेगा आपको, रिलैक्स फील क्या बोल रहा हूँ यार मैं, बहुत रिलैक्स मिलेगा। एक्चुअली मैं थक गया हूँ यार, अरे क्या कर रहे हो, किसी को वॉमिटिंग हो रही है यार, किसी को चक्कर आ गया यहाँ पे, पता नहीं कौन है। एनीवेज हम लोगों को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, ओ फाइनली हम नीचे आ गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए उतरते हैं, मेरा हाथ थक गया यार फ़ोन पकड़ के। फाइनली हम घूम चुके हैं, भैया आगे हमें निकालेंगे, भैया हमको रिलीफ करने के लिए आ गए हैं। अभी मेरा नंबर है, ओके समझ नहीं आ रहा कहाँ उतरे, दो मिनट के लिए समझ नहीं आ रहा कि कहाँ उतरे हम लोग, बट अच्छी थी यार, बड़ा चक्कर था यार। अब नेक्स्ट राइड हमारी ये वाली होने वाली है,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम भी लाइन में लग जाते हैं और अपने टाइम का वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है और हम इस राइड के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इंजॉय करते हैं। हम सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं किसी, ओके हम ग्रीन वाले पे बैठेंगे। तो ये इस वाले 20 नंबर पे बैठता हूँ मैं। सो मैं अपने 20, चलो 20 पे बैठते हैं यार। तो अभी हम रेडी हैं अपनी राइड लेने के लिए। ये हमने अपना आपको कवर कर लिया है और बस अभी कुछ ही देर में ये चालू हो जाएगा। यस ये हो चुका है अभी, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये थोड़े झटके से भी देता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर इन भाई की वीडियो देखी होगी तो देखो ये यूट्यूबर हैं, ये वाले भाई, और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं भी इनकी वीडियो में आऊँगा तो मैं भी हेलो। हेलो हाय यस, तो अभी मेरी भी रिकॉर्डिंग उनके इसमें आ जाएगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर यहाँ पर आए हुए हैं अपने यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए। स्पीड अभी तेज़ नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर, ओ अभी तेज हो जाएगी इसकी स्पीड। अभी थोड़ी स्पीड इसकी तेज हो गई है। ये देखो लोग वेट कर रहे हैं, बट इतनी देर वेट करना नहीं पड़ता है, हार्डली 10 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। यार क्या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो चलता ही है। लेकिन ये गोल गोल घूम के ना सर में दर्द होने लगा। हेलो से हेलो 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 तो हमारी राइड अभी पूरी हो चुकी है, अभी आई थिंक ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको या अभी हम रिलीज हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी अगली राइड के लिए, एग्जिट के लिए। चलो इधर से एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट के लिए आई थिंक उस साइड है, एग्जिट के लिए उस साइड है। हमारी अगली राइड ये वाली होने वाली है, इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, ये देखो। आई थिंक यहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, थोड़ी देर हम वेट करेंगे उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली हम इस पर बैठ चुके हैं, देखते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। स्पीड भी इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं है, काफ़ी मीडियम है, बट आई थिंक अभी ये तेज़ हो जाएगा। Oh, shit.
लॉक हो गए कि अब हम आ गए हैं अपनी अगली राइड के लिए। और अगली राइड होने वाली है ये वाली, लेकिन इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। ये आप देखते हैं ये वाली राइड है हमारी। तो चलिए कोई हमारे जगह पर आके लग जाए तो सबसे पहले हम अपनी जगह पर वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है और हम जा रहे हैं अंदर। कहाँ बैठना चाहिए यार। ओके तो मैं तो भाई यहाँ बैठता हूँ। चलो वो पकड़ी जाए और राजा आगे जाएगा। राजा हमने भी प्रॉपर पकड़ लिया है, पकड़ के हम लोग बैठे हैं। सबसे ज्यादा मजा इसी वाली में आ रहा है मुझे तो। मेरा तो ब्लॉग बन गया। सबसे मजा इसी में आने वाला है। ओके मजा आ गया भाई इस वाली में तो। सबसे बढ़िया यही वाली लगी मुझे तो। कोई नहीं ऐसे कुछ होगा।
सत्तर अस्सी रुपये सबसे बढ़िया मुझे ये वाली लगी यार, सबसे बढ़िया थी ये वाली। हम लोगों को ये राइड इतनी अच्छी लगी कि हम इसमें दोबारा जाएंगे। यार कोई गिर नहीं रहा इसमें अभी तक। इस बार तो अलर्ट हो गए। नहीं। तो हमारी अगली राइड ये वाली होने वाली थी, लेकिन पानी में भीगने का काफ़ी डर था इसीलिए हम इसमें नहीं गए। और आप देख सकते हैं इसमें भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। मैं आपको आगे जाके इसकी भीड़ दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जाने के लिए लोगों की इतनी लंबी लाइन है। यहाँ पर देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट है और ये आप देख सकते हैं, फिर ये वहाँ से घूम के सीधे फिर यहाँ आपको आना होगा, इसीलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा पानी में ये लोग भीग जाएंगे। और हमारा फ़ोन है और हमारे फ़ोन का भीगने का काफ़ी डर था इसीलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। और आप देखेंगे जो नाव आ रही है इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सब बुरी तरीके से भीग जाएंगे। ये देखिए ये भीग चुके हैं इसीलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। बट अगर आप आओ तो अपना सामान वगैरह सब साइड में रखकर इस राइड का मज़ा ले सकते हैं। अभी ये लोग जा रहे हैं और फिर वो लोग घूम के आएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अगर आपको ये राइड लेनी है तो आपको यहाँ टाइम से आना होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेकर आना, तभी आपका नंबर आएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज़ है इस राइड के लिए लोगों में, आप भीड़ भी देख सकते हैं। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे जाना स्कीप ही कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता लाइन में। फाइनली हमने सारी राइड ले ली हैं और अब लास्ट हम जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। ये देखिए ये है भूल भुलैया और अब हम इसमें जाएंगे, तो देखते हैं हम यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो चलिए ये भूल भुलैया है, अब यहाँ से देखो हम कहाँ निकलते हैं। मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है और मुझे यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन चलो ढूंढते हैं कि कहाँ है रास्ता। सब सेम सही लग रहा है यार, इधर से थोड़ा शोर सुनाई दे रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं तो सही, नहीं ये तो आई थिंक कपल्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये रास्ता बंद, आई थिंक यहाँ, हाँ शायद यहाँ से हमें निकलना है। ओके सो फाइनली हम निकल गए यहाँ से, चलो मिल गया यार, मुझे तो लग रहा था कितना टाइम लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा एग्जिट करते हैं। हेलो, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी राइड्स ले ली हैं, कुछ तो मैंने दो दो तीन तीन बार लिए हैं क्योंकि मैं यहाँ सुबह 11 बजे आ गया था और अभी बच चुके हैं 3:30, तो मुझे निकलना होगा। बाकी 350 रुपये में बहुत अच्छी डील होने वाली है क्योंकि पहले यहाँ के प्राइस 700 रुपये थे जिसे घटाकर इन्होंने 350 रुपये कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्राउड इतना बढ़ रहा है हो सकता है इसके प्राइस दोबारा से डबल कर दें। तो जिससे पहले ये डबल करें आप यहाँ पर आके इन्जॉय कर लीजिए। और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाने की जिद कर रहे हैं तो ये जगह उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये हम मंडे को आई थिंक ऑफ रहता है, बाकी इसकी टाइमिंग है सुबह 11 से शाम 4 बजे तक के लिए। और हाइजीन का यहाँ काफ़ी ध्यान रखा गया है, खाने पीने के काफ़ी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। बाकी यहाँ पर यूट्यूबर्स काफ़ी आ रखे हैं, रील्स काफ़ी लोग बना रहे हैं, इन्जॉयमेंट के लिए एक प्रॉपर अच्छी जगह है ये, तो आप बिल्कुल लेट मत कीजिए, आकर यहाँ पर इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड बाय।